ना, मेरे दादा ने शूट किया आपको पता है आपके भाई का जो किस्सा है ना ट्रांसजेंडर का है अच्छा वहाँ खौफ आता था और हमारे जो कजन थे उन्होंने अपना वॉशरूम जो है ना उनके घर के अंदर से दर रखता क्या ये सच है कि जो सड़क पर जो पागल नंगे लोग घूम रहे होते हैं हाँ। वो इसी चीज़ का शिकार हुए होते हैं उस टाइम पर हमें पता लगा कि ट्रांसजेंडर है जब आवाज आई अब कपड़े पहनना नहीं वापस मजा आ रहा है अब किया उस घर का ये तो बता दे भाई तू तो शादी में भी यूज़ किया अपने वो तूने तूा जानवरों से डर लगता है नहीं सामने बैठा हुआ मैं अभी ये तक उठा बारह लड़के करा दो मैं चले जाऊंगा जो सीनियर है उसको मार देते हैं इंडिया सीनियर्स को बनाता है वो कॉमेडियन ही नहीं जिसका पेट ना वालेकुम <laughs> दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सबको वेलकम जी हाँ हमारा सेट जो है वो तब्दील हो चुका है तब्दील तो बहुत पहले करना था थोड़ा वक्त लग गया लेकिन देर आए दुरुस्त आए आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हमारे मुल्क का सासा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे लिविंग लेजेंड के बेटे भी हैं तो खातन वजरा शराबील सिद्दीकी हमारे साथ हैं सर असल वालेकाम खात निकाल दे समय से सिर्फ हजरात रख ले हजरा खात नहीं पसंद करती मुझे क्यों बहुत ही चढ़ा दी हूँ मैं लेकिन आप हैं भी तो प्यारे बस एक दफ़ा मेरे अबू ने मेरी अम्मी को कहा था ये हैं अच्छे फिर मैं पैदा हो गया अच्छा शराबील कैसे है ठीक ठाक हूँ आप बताओ भाई माशाल्लाह से यार ज्योर घर पर बात करके बैठे हो तुम यार हाँ मैंने कहा बाल बड़े कर लिए थे थोड़े से मैंने मतलब कटवा लेता हूँ उम्र पे गए थे माशाबारा को तुम्हें भी और भाभी को भी सर सबसे पहले भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप, क्या आपने बुलाया आप आए मेरे लिए ये बड़ी बात है मैं नहीं आ रहा था मेरे पास असल में कुछ पैसा बच गया था मैंने सब्जी मंगवाई थी तो मैंने कहा करीम कर लो निकलो यार शराबी एक बात बताओ पूछो बात ये है कि पानी भी लिया साथ साथ ले आओ ले आओ चलता शो चलता शो पाक होता है तीन चार औरतें भी ले आओ है अच्छी हो जाएगी पॉडकास्ट आधी हाँ। सुनेंगे लोग आधी देखेंगे अच्छा अब मुझे एक बात बताओ शराबी के बहुत सारे पाकिस्तान से कमेडियंस जो हैं वो इंडिया गए आपके वालिद साहब जो हमारे प्यारे अजीज शकील सिद्दीकी सर हैं वो भी गए आप नहीं गए क्यों मैं जा रहा था 2008 ये आठ की बात है अब्बा गए और 2014 में मेरे जाने का हो रहा था लेकिन वहाँ कुछ धमाके हुए ओके। जिस वजह से तैयार हो गया था अच्छा और सिलेक्शन भी हो गई थी हर चीज़ हो गई थी कौन तो तो था? यार वो चाइना कॉमेडी सर्कस चाइना चौक टू चाइना ऐसे करके कुछ नाम रखा था उन्होंने जिसमें वो मुबीन आया था सिद्धार्थ सागर नया नया आया था बच्चा आया था वहाँ जवान हो गया माशाल्लाह से तो वो अच्छा करता है उसी शो में मैं भी था अच्छा हाँ लेकिन फिर वो सब चीज़ें ततरी बितर हो गई बैन लग गया पाकिस्तानी से जाएंगे जाएँगे इंडिया से आने ही आएँगे वो कहता हूँ यार नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो फ़न की कोई सरत नहीं होती फ़नकार की है फन की नहीं होती तो हम तो आसान जा रहे थे ये नहीं होना चाहिए जो होती हैं चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें हम पे क्यों हावी कर देते हो आप लोग आपके अपनी पॉलिटिकल है इश्यूज़ आपके अपने झगड़े हैं इसमें हम आर्टिस्टों का क्या है अच्छा मुझे एक बात बता डू यू थिंक जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है वो जब तक इंडिया से होकर नहीं आता जब तक उस पर इंडिया का ठप्पा नहीं लगता वो यहाँ पर नहीं चलता क्या ये सच है यार अगर बोलो तो हाँ ये सच है रियली सच है ओके अभी अजलान शाह कहाँ बैठा हुआ है जो कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है ऐसे ही है अभी अजहन शाह इंडिया में दो पॉडकास्ट करके आ जाए किसी भी सेलिब्रिटीज के करके आ जाए आप देखना कितने इस्पॉन्सर आएंगे आपके पास कितने लोग आपसे जुड़ेंगे ये पता है मुनाफिक में पूरा दौर है हमारा निज़ाम ना सारा मुनाफिकत है जो कम आप बताऊँ क्या चीज़ है चढ़ते सूरज को सलाम ये वाली कहानी है वरना के इतना टैलेंट है इस पाकिस्तान में जो अपने बलबूते पर बन रहा है लेकिन उसको टाइम लग रहा है क्यों वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जब वो फाइनेंशियली हो जाएगा तो उसके पीछे खुद भागेंगे बहुत सारे नाम हैं मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो खुद बने नादिर सबसे बड़ा ठीक है मेरा बचपन का दोस्त है यूँ कह लो आप नादिर नादिर ओके okay. और मेरी आज भी उससे वैसे ही है जैसे पहले थी मतलब उसमें वो नहीं आई कि यार मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ तो मैं नज़रें यहाँ रख लूँ आँखें यहाँ रख लूँ नहीं ऐसा नहीं है तो मेरे सामने ही बना वो अहमद है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बचपन के दोस्त यार हैं लेकिन अल्लाह पाक ने देखो वो कहते ना कोशिश करते रहो दस्तक देते रहो दरवाजा खुलेगा hmm. खुले दरवाजे हिम्मत नहीं आ रही और अपना मोटिव एक रखो hmm. जो कर करो करते रहो ये यार नहीं हो रहा रखो किया हाँ। हार मान ली थक गए नहीं हो रहा नहीं हो रहा होगा मोटिव एक रखो अच्छा एक सवाल जो मैं तुझसे मिलके पहले भी किया था आज मैं ऑन स्क्रीन पूछूंगा कौन सा अला शाहरुख खान ने हाँ शो में बैठे, हाँ। आपके भाई को एक दिया था था हेलो किया कैसे, वो 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 कैसे अरमान ठीक है वो जब तीन साल का था तो वो कार्टून नहीं देखता था माँ बच्चे रो रो माँ मोबाइल पकड़ा देते बेटा ये देख ले ठीक है तो उसका यह सिंथा वो जब भी रोता था तो हम उसको डॉन फिल्म लगा के देते थे शाहरुख ना

की तरफ से भंडे एक नेट का भंडे मेरा क्या है इसमें यार लैपटॉप उड़ा दिया अब्बा ने लात मार के सारा डेटा चले गया तो यह बात अब्बा ने फिर शाहरुख खान को बताई अच्छा। क्या मेरा छोटा बेटा ना आपका इतना बड़ा फ़ैन है ये वो उसने ऑफ स्क्रीन भी कॉल करके बात करवाई रियली really? हाँ और फिर ऑन स्क्रीन उसको किसी ने बोला नहीं अब्बा ने बोला यार नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता और भी आर्टिस्ट है लेकिन क्या उसने कहा नहीं मैं बोलूँगा मैं तो आपका फ़ैन हूँ मैं बोलूंगा ये बात उसने ओनियर अरमान सिद्धि की और शॉर्ट आउट दिया पूरा और फिर उसने सबसे बड़ी बात देखो वहाँ के आर्टिस्ट क्यों कामयाब है क्योंकि वो बड़े को बड़ा मानते हैं अपने सीनियर को सीनियर समझते हैं भले कितने बड़े सुपरस्टार बन जाए उसने ओनियर बोला कि अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है और थिएटर करना चाहता है तो शकील भाई से सीखे बिल्कुल हम सब ने देखी वो चीज़ सीखी वीडियो तो यही वाली बात है यार मैं अपने अंदर तो ख़त्म कर दो कितने बड़े स्टार बन जाओ सीखते रहो जूनियर से भी सीखो सीनियर से भी सीखो लेकिन जूनियर जो सिखाता है ना सीनियर को वो नया होता है वो आज के दौर का होता है और जो सीनियर तुम्हें सिखा गया वो पुराने दौर का था बिल्कुल तो हमें आगे बढ़ना है पीछे थोड़ी जाना है पीछे थोड़ी जाना रिवर्स थोड़ी लगाना है तो मैं यही कहता हूँ मैं भी अब अब जो मेरे बाद के जो लोग हैं जो मेरी गैदरिंग के हैं जो सीख रहे हैं चीज़ें है, मैं उनसे सीख रहा होता हूँ और आपको पता है आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होना ज्यादा अच्छा है आपके एड गिट कॉन्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये मोहम्मद शरीफ की बात है उमर अंकल की कि हम उनसे किसी ने पूछा कि यार आप कॉमेडी कैसे क्रिएट करते हो तो बता मैं क्रिएट करते नहीं हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है hmm. मेरे एट गर्द लोग हैं मैं उनको देखता हूँ ओह oh. वही करेक्टर पकड़ के मैं स्टेज पर प्ले करवाता हूँ तो ये है कहानी ऑब्जर्वेंट होना बड़ा ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें देख के बहुत. जो है ना करेक्टर कैसे बनते हैं भाई hmm. आपको पता भी मैंने थिएटर किया ईद पे तो उसमें मैंने करेक्टर था चाचा पचपन वो वायरल हुआ है

मैंने कहा ये करोगे आप जो बता रहा हूँ तू लिखता भी है मैं लिखता भी मैं तेरह तेरह चौदह साल से सिर्फ लिख रहा था अच्छा ऑफिस स्क्रीन था मुझे फिर फैसल भाई मिले फैसल कुरेशी फैसल भाई फैसल भाई ने कहा भाई तेरी जगह यहाँ नहीं है तेरी जगह टी वी फिर वो लेके आया सलाम जिंदगी उनका आता था मैंने तीन एपिसोड किए थे तो उसका फाइनल में जीता था उन्होंने कॉम्पिटिशन कराया था ओके टैलेंट हंड था वो शो तो मैं ही जीता था उसके बाद फिर दो साल का गैप आया फिर उसका उन्होंने खुश रहो पाकिस्तान में बुलाया कि फिर मैंने कहा फैसल भाई ये गेम्स वगैरह मेरे से नहीं खेली जाती भाई मैंने कभी क्रिकेट भी नहीं खेला बोले क्या करेगा मैंने कहा मुझे शुरू के दस मिनट चाहिए सही है पूरा शो आपका आपके इन बच्चों का मुझे दस मिनट दे देना अपने साथ बोले क्या करेगा मैंने कहा एक्ट करेंगे हम लोग बोले ठीक है अब उन्होंने क्या कहा चला की करते थे वो लोग के वो लाइव होता था एक तो शो और एक्ट करना बहुत मुश्किल काम है फिल्मती आफकोर्स और वही फैसल भाई के साथ

अयाज समो हों भले फैजान शेख भाई हो, आदिया आदिल हमजत हो, भाई और साकिब भाई हैं एक साकिब है। बहुत सारे लोग हैं तो जो सलाम जिंदगी से दोबारा जिंदा हुए ये कह सकते हैं आप करते थे काम माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है वो थिएटर के हैं सारे लेकिन वो उनकी पहचान टीवी पे फैसल भाई के साथ जुड़ के बनी तो भाई फैसल भाई उस्ताद थे हैं और रहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल हम सबके उस्ताद हैं और किसी से कोई छोटी चीज़ भी आप सीखते हो ना तो वो आपका उस्ताद ही होता है आप अगर उस्ताद की बात कर रहे हैं तुम्हारे घर में इट्स सेल्फ एक लेजेंड बनता है ठीक है तुम्हारे अब्बा हाँ उनके और... <laughs> तो एक <laughs> बात बताओ कभी प्रेशर आया अब्बा की अब्बा की लेगेसी लेके चल रहा हूँ मैं यार अब्बा तो देखो मुझे बनाना चाहते था अकाउंटेंट कसम से कसम से ठीक है मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था और कह रहे थे यार इधर जाना इधर कुछ नहीं रखा अब hmm. फिर कहने लगे यार आप इधर ही रहना है तो फिर एक काम करो स्विच करो पढ़ाई को ओके okay. अगर अकाउंटेंट नहीं बनना फिर मैं गया मीडिया साइंस ठीक है फिर मैंने बी मीडिया साइंस चार साल का किया फिल्म एंड प्रोडक्शन में ओके okay. दैन मैंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से आठ साल की डिग्री ली अच्छा चार साल की वो अलग है आठ साल की अलग है परफॉर्मिंग आर्ट की और इसकी राइटिंग की तो अपने पास है तजुर्बा फिर अब्बा ने कहा अब आ जा लेकिन अभी तक अब्बा का नाम यूज़ नहीं किया नहीं तो मैं ड्रामे भी कर रहा होता ड्रामे में भी आएंगे इन बहुत जल्द लेकिन यह है कि यार मेरा ये है कि यार ऑडिशन में ही सब कुछ रखा है मेरा आदत नहीं है कि यार मैं अब्बा से फ़ोन करवाऊँ मैं दस चैनल पर नज़र आ सकता हूँ अजलान भाई बिल्कुल क्योंकि अब्बा की माशा अल्लाह पाक ने बड़ा इज्जत दी हुई है अब्बा को तो मैंने कहा नहीं आप किसी को कॉल नहीं करना खुद क्योंकि जो लाइन ऑडिशन की लाइन में जो आपको दोस्त मिलते हैं ना वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेंगे और मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे ऑडिशन लाइन में मिले अच्छा जिनके साथ आज मैं काम कर रहा हूँ तो मज़ा ऑडिशन देने में लोग कितने ऑडिशन नहीं देंगे तुम्हारी तो तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुबरा ख़ान जावेद शेख साहब हमजा अली अब्बासी बैठे हुए हैं और वो बोले तुम्हारा बोलने का स्टाइल जो है ना वो हाँ। हमजा भाई ने ब्रेक में आके मुझे बोला भाई तुम क्या पागल हो यार तुम तुम डायरेक्ट नहीं आ सकते थे मैंने कहा अभी मज़ा नहीं आता और मज़े के बाद उस शो में मैं अपने कॉम्पिटिटर खुद लेके गया था अच्छा जी क्यों मतलब क्या सीन उन्होंने कहा कि यार हमें कॉमेडियंस चाहिए तो आप सिर्फ वो करोगे सिर्फ देखोगे आप मुझे कॉमेडियंस ला दो मैंने कहा कोऑर्डिनेट करोगे मैंने कहा करो मैं एक से एक कॉमेडियन ला के दूँगा आपको न्यू जनरेशन के पुराने वाले अच्छा नहीं लगता वो सीनियर है उनको जज बना के बुला लेना आप बोले ठीक है फिर मैंने सारे जितने भी नए हैं ना मैंने कहा आ जाओ ये काम करना दूसरे थोड़ा मुझे बोलना आप भी परफॉर्म करोगे भाई इनके साथ हमें डोरेशन पूरी करनी है अच्छा भाई मैंने भाई ठीक है यार आ जाओ कर ले तो कोई मसला नहीं है मुकाबला करने में खड़ा हो गया लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब सेमीफाइनल में मेरा अब्बा जज बन के आए ओए ओए होए 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 यकीन कितने मिनट का एपिसोड होता है एक फोर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स ऐसे ही होता है उसमें से मेरी परफॉर्मेंस हुई है पाँच मिनट की और पैंतीस मिनट मेरे बाप ने मुझे सिर्फ जलील किया है और एपिसोड ख़त्म हो गया तेरी खैर अब कुबरा खान बोलिए यार शकील भाई आपका अपना बच्चा है ना क्या चाह रहे हो आप उमेर जसवाल भाई बोलने रहे भाई रहने दो यार इतना भी जलील नहीं करते अब्बा <laughs> बोल रहे हैं इसको डांटूँगा उसको सुनाऊँगा ना तो जितने बैठे हैं ना वो सीखेंगे <laughs> अब्बा ने ये तक कह दिया था जो काम आता नहीं करता है करता क्यों है ऑन ईयर बोला हुआ <laughs> एपिसोड रखा हुआ है और उस दिन वाकई में बहुत माठा गया था <laughs> <laughs> मैं क्यों झूठ बोलूँ विदाउट स्क्रिप्ट खड़ा हुआ और मेरे साथ एक नया लड़का था मैं चाह रहा था कि यार उसका भी कुछ भला हो जाए लेकिन वो वो कहता ना यार उन्नीस बीस हो तो चले आता है वो उन्नीस चवालीस था अल्लाह मतलब मैं यहाँ से आता तो वो मुझे क्यूँ बिल्कुल यहाँ देता था नीचे मैं कहता था तो मर गए और ना रिएक्ट देता किसी बात पे ना कुछ तो वो चलने तो फिर तो सही हुआ तो, जलील, जलील। तो सही तू मैं स, मैं समझ रहा घर भी नहीं जाऊंगा मैं लेकिन मैं घर गया फिर घर में अलग जलील हुआ पैतालीस दिन पैतालीस मिनट वहां पैतालीस दिन घर पे लेकिन फिर सबक मिला कोविड के बाद जो आपका भाई आया फिर रुका नहीं हम्म हाँ हाँ माशाला तुम्हारे अब्बा जब भी शकील सिद्दीकी साहब जो है जब भी इंडिया में कोई भी शो होता है तो उनकी जोड़ी होती है श्रुति के साथ जब भी हमने टीवी खोला है तो वो श्रुति शु, शु, हसन जो है वो सामने खड़ी हुई होती तो है तो क्या इन लोग की जोड़ी का क्या एक यार अब्बा देखो पहले तो गए थे कॉम्पिटिटर ओके कॉमेडी का बादशाह जीता उन्होंने सबसे पहले जिसमें राजू श्रीवास्तव वो काशिफ खान जशते हैं के वालि साहब

अब अबा गए तो पहला सीजन जब अब्बा ने जीता कॉमेडी सर्कस का तो फिर उनको बोला यार शकील भाई आप कंपटीशन नहीं करोगे अब अब ने क्या करेंगे फिर आपको होस्ट हो अबा को होस्ट बना दिया शुरुती के साथ जो वो आते थे उनका एक ओ, शाना शकील नाम अच्छा सबको अल्लाह पाक एक दफ़ा शहरत देता है देने को तो सौ बार भी दे सकता है लेकिन अभी ये कहानी है कि जितने भी कॉमेडियंस हैं उनमें सबको एक एक बार शहरत मिली अब्बा को दो दफ़ा मिली है एक तीली के नाम से मशहूर हुए है ऑफकोर्स ठीक है फिर दूसरा शाना शकील ये वाली कहानी है तो अब्बा ने फिर नॉन स्टॉप दस साल काम किया इंडिया में जिसमें दो फिल्म की एक भावनाओं को समझो वो यूट्यूब भी उसमें ओ की थी पता नहीं उसकी okay, सुनील पाल की थी सुनील ओके ओके ठीक है और दूसरी की सदिया जिसमें शत्रुघ्न सेना का बेटा लॉन्च हुआ था ओके okay. कश्मीर की लड़की थी वो हीरोइन थी सही अब्बा मुसलमान थे उसमें जावेद शेख मुसलमान था और हिमा मालिनी मुसलमान अब्बा भाई बने थे के। ओ। अगेंस्ट में ऋषि कपूर और रेखा मतलब बड़ी कास्ट थी ये, ये हिंदू का रोल कर रहे थे तो सेपरेट हो जाते बच्चा यहाँ आता है पाकिस्तानी बच्चा इंडियन के पास रह आता तो वो परवरिश करती है तो वो जवान होता तो उसकी माँ ये तो अब्बा मामू का करेक्टर करते हैं कॉमेडी रोल है तो नॉन स्टॉक काम किया और अभी भी अब अब तो उनकी कॉमेडी नेटफ्लिक्स पर चले गई है कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर है ठीक अब उनके टीवी से कॉमेडी खत्म हो गई दोबारा ओके okay. तो अब कुछ प्लानिंग्स हैं इनशाला तो आई थिंक थिंकोर जो है वो एक एक अच्छा एक नजर हाँ, आता है कि शायद अल्लाह करे अगर ये दोनों मुल्क एक हो जाए तो यार क्या ही बात है क्योंकि एक इन सेंस की मतलब दोस्ती होना बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली जो है दोनों डिस्टर्ब हुए हुए हैं अगर देखा जाए तो हम थोड़ा ज्यादा हम तो अपनी हरकतों की वजह से हुए कुछ और मामलाते हैं हमारे तो हमारे बहुत सारे मामला माम है किसी दिन देख लियो मैं, मैं मिसाइल पे ऐसा हाथ मारूंगा खुद ही निकल आएगा देख लियो मिसाइल भी नहीं दे रहे मारने के लिए के यार मार दें उधर ही मार दे इसराइलियों मार दें नहीं मार रहे तो वो भी भी नहीं रहे क्या कर यार 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 कुछ तो कह रहे को जलाएंगे मुझे मुझे अब ये लग रहा है है उसकी हालत बम बोल फाड़ दो <laughs> जमा हो रही आपके साहब शकील सिद्दीकी साहब का एक कॉम्पिटिशन एक फड्डा हुआ था कपिल शर्मा के साथ इस्तेमाल कर दिया एक कंपटीशन हुआ था और उसमें नोकझोंक हुई थी नोकझोंक हुई तो उर्वशी थी जोड़ी उर नहीं थी उसमें ओके, ओके, ओके। तो उसमें ये था कि उनका शो ऐसे था कि जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस एक एक शो जीते हुए एक एक टाइटल सबके पास था अब्बा के पास कॉमेडी सर्कस का था कपिल के पास लाफ्टर चैलेंज का था लाल अंकल थे काशिफ खान थे बहुत सारे थे मतलब आठ दस कॉमेडियन जो चैंपियन बने हुए थे तो उनके बीच में कॉम्पटिशन करा के एक उस्ताद निकालना था इनका उस्ताद कौन होगा ओह ओह उसदों का उस्ताद कौन होगा तो फाइनल अब्बा जब जीते तो अब्बा के आदमी चेक पकड़ाया उन लोगों ने तो कपिल कहता है कि पाकिस्तानी लड़कों के साथ जोड़ी बनाती हो हमें कीड़े पड़ गए ओए होए तो अब्बा ने कहा चुप रहे अबा अब्बा ने कहा चल यार कोई बात नहीं कहता नहीं नहीं हमारे शकील भाई को ना माली इमदाद की सख्त जरूरत थी तो हमने मदद की है तो अब्बा बोले तू बैंक में सोता है तुझे पैसों की जरूरत नहीं है तो फौरन गले लगा लेते को को और ज्यादा कुछ ना बोले तो बस ये हुआ था और कोई नोक नोकझोंक नहीं हुई थी यार वो भी अब्बा से सब मोहब्बत करते हैं अच्छा अब्बा की हिस्ट्री ये है कि अब्बा को शाहरुख खान भी ना शकील भाई कहता है अक्षय कुमार भी शकील भाई कहता है सलमान खान भी शकील भाई भाई, कहता है उनका दस के दम में जो आए थे तुम्हारे अच्छा वो शर्वानी जो अब्बा ने पहने थे दस के दम में वो सलमान खान ने पहनी थी फाइनल में फाइनल में बुलाया था उसने अब्बा को अच्छा तो बोला शकील भाई आप पहनोगे वो अभी तक लटकाये हुए सलमान खान ने दिए भाई वो। नहीं, नहीं, भिल्कुर, भिल्कुर। मुझे शाहरुख खान ने टेडी बियर दिया था और अच्छा हाँ, जब मैं शादी कर शादी नहीं किया मतलब सजा के रखा कब दिया था ये अभी दुबई में जब गया था उसकी वीडियो करीब किया था अब मैं बहुत करीब था

Uh, मैम संगीता जो है जो हमारी पाकिस्तान की बड़ी सीनियर फिल्म स्टार फिल्म स्टार संगीता जो है उनका एक गाना है पाकिस्तानी कोई करके बहाना सानो मिलवाए मिल वो गाना मेरे दादा ने शूट किया आपको पता है अच्छा शुरू से मिरासी हो तुम लोग ये बोलो ना हम शुरू से खानदानी मिरासी खानदानी जो है ना अच्छा सो एआर नासिर हमारा भी यही सीन है अच्छा मेरे दादा जो है वो जो सैनमा में फिल्म वगैरह लगती थी टिकट वगैरह उनके हाथ में था सारे सैनमा ओह तो वो टिकट वेट के टिकट का सारे काम वाम करते थे तो एक दफा अब्बा की फिल्म लग गई पहली अब दादा मुँह छुपा रहे और भाई ये क्या यार मैं तो टिकटें बेचता मेरे बेटे की फिल्म लगी हुई है लगी हुई है और सबसे आगे बैठे हुए फिर वो प्राउड मोमेंट था दादा के लिए कि यार जिस सैनमा हॉल में मैं काम करता हूँ वह मेरे बेटे की फिल्म लगी हुई है क्या बात है तो ये होता है हम लोग ख़ानदानी है खानदानी है हम लोग अपने मोटिव से हटे नहीं यार मकसद नहीं आ, बच्चों को भी कहेंगे भाई शराबी अभी जब हम जब बात कर रहे थे तो डिस्कशन करते हुए तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा इंटरेक्शन तुम्हारा पाला किसी मखलूक से हुआ है हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा यार बताना सही है तो पूछनी है मैं मैं जो ना निकालता गया। तो मैंने यही छेड़ा था कि यार मुझे बताओ किटना पड़ नहीं काटूंगा यार। तु, तु बोल ब्रो अब देख ले यार नहीं नहीं अच्छा जो औरतें आई तुम्हारे पास जिन्होंने तुम्हें अपनी बताई चीजे किससे बताए औरतों पर आये जिन्नात मेल मेल करेक्टर सादा है और लड़को पाई फीमेल हो गई हाँ। और ये रो। आपके भाई का जो किस्सा है ना ट्रांस का है ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर का भूत भूत अब तो ट्रांसजेंडर में भूत होते हैं भाई मतलब वो मरते नहीं है क्या हाँ। ट्रांसजेंडर बताओ अनोखी चीजें हमेशा हमारे साथ ही हुई है शेट। ये कहानी है समझ ले अब से ढाई साल हो गया इस बात को तो मैं अपने कज़न के वहाँ गया हुआ था यार ये सदर सदर में तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हु? हु? सदर में बहुत सारे ऐसे पोश एरियाज हैं जहाँ हैं वाकई है असरा बिल्कुल है बिल्डिंग्स हैं पासपोर्ट ऑफिस के पीछे चलाओ तो बहुत हाँ, सारे हैं वहाँ तो अभी तक सौ साल पुराने दरख्त भी हैं बिल्कुल अगर देखना हो तो मेरे साथ चलना मैं दिखाऊंगा नहीं देखना जहाँ ये वाक्य पेश आया कोई मसले बात नहीं है अगर कोई पूछेगा तो मैं ले जाऊंगा भाई बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने ठीक है तो भैया हुआ ये कि हम अपने कज़न के साथ रुक गए हाँ। अच्छा वहाँ खौफ आता था और हमारे जो कजन थे उन्होंने अपना वॉशरूम उनके घर के अंदर से ही दरक था ओके। जो तो सहन में, जो जो हाँ। में निकल हाँ। वो काटना मना किया हुआ था तो उसमें थे असरात वसरात ना तो हम रुक गए अब कजनों में तो होती है चुल तो जब पता मस्तियों वाली हाँ। कर दिया हमने होशियारी दिखा दी तो खेल लेते हम रात को वहां पर सारे कजन बैठ के तो हुआ ये कि भैया हमें पता कैसे चला कि वो ट्रांसजेंडर का असर आते हैं आप ये देखो हमारे कजन पे आ गया कजन पे आ गया हमारे कजन पे आ गया अब हमें तो ये बताया गया बचपन से भाई कपड़े उतार दो तो भूत भाग जाएगा हाँ, वो कहते ना आ, आ, पर पर आ, भाग जाएगा अब हम चार पांच कजन एक पे आया है असर हम चार पांच कजन खड़े हुए साइड पर हमने कहा उस्ताद कपड़े उतारो एक दूसरे के जले कपड़े उतारे उस्ताद ट्रांसजेंडर

कि नजरे ना मिला पाए एक दूसरे से लेकिन वो हमें टीप रहा है वो देखे जा रहा है मैं वो कह रहा है यार असल में बात ये है कि तुमने कपड़े उतार तो दिए ना मैं फीमेल हूँ ना मैं मेल हूँ मैं ये हूँ hmm. जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है और मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है अब मैंने कहा यार उस्ताद क्या चल रहा है ये, ये तो मामला बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तेरी जो बात शुरू हुई है ना मेरे पीछे के स्टूडियो की लाइट बंद गई है, है? अल्लाह की कसम। अबे भाई ये ढाई साल पुरानी बात है अल्लाह कर वल्ला वल्ला ये खुद से हुई है फ़िजा परेशान फिजा, फिजा देख वो देख पीछे देख रही है मैं ये ये शॉट ले रहा हूँ तुम लोग बेशक लगा भी देना बट ये फिजा जो है ना उधर देख रही है कि लाइट बंद की हुई है ये कोई है वहाँ पे पक्का चलो कोई बात नहीं यार एक, -एक आयत पढ़ो कुछ नहीं होगा अब वाकया शुरू किया तो पूरा करते हैं भाई क्या करे भाई देख लो तुम लोग कपड़े नहीं ना नहीं जाएगा वो नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये, ये तो डॉक्टर के पास गए कहा था मेरे उतरे भाई कौन था ये इनाम चाहे ले अच्छा बेसिकली जब मैं ऊपर करता था ना पॉडकास्ट तो वहां पे होता ही था कि कभी कभार लाइट अपने आप ऑफ होती थी अच्छा होती थी फिर बीच में ऐसा हुआ कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बटन दबा रहे हैं बार बार जो है वो खुद ही रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही है होता है तो ये जगह चेंज करने का रीजन भी हमारा यही अच्छा। है अच्छा। <laughs> के ऊपर जो है ना मासम दरा हाट के नारा कशी कर ले पर काफी स्केलेटन वगैरह बिठाए हुए थे बट एनीवे anyway, तो इट वाज अ ट्रांसजेंडर जो आप समझ रहे हैं मैं हैंडर हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ मेरी पूरी फैमिली है मतलब कर रहे थे अच्छा। तो बहरहाल हम कजन को लेके गए भैया पहले मंगो पीर ले गए भागे मंगो पीर। हाँ। के यार सुना गया वहाँ उतर जाते हैं फला ठिकाना पे अब्दुल्ला शाह गाजी का मजा लेगा भाई के भाई ये मामला सही हो अब कजन के बाल गिरना शुरू हो गए भाई अच्छा हाँ हमने यार अरे तो खतरनाक मामला हो गए खैर कज़न तो ठीक हो गया कजन पे से वो निकल गया हमारे वॉशरूम में जाके बस गया उस बाथरूम में उसने अपनी जगह बना ली ओके okay. वो कहते हैं ना कि मगरब के वक्त बाथरूम नहीं जाना चाहिए इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जितने भी आपके असरात होते हैं ना बुरे असरात वो अपने आप बाथरूम में जाके शिफ्ट हो जाएंगे वो बाथरूम में रहते हैं वो मगरब के वक्त नहीं जाना चाहिए वैसे भी और ख़ास तौर पर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए और अगर वॉशरूम जाएँ तो बाल बांध के जाएँ सर पर दुपट्टा लेके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है सर पर दुपट्टा लेके हाँ जी ओके okay. बाल छुपा के जाएँ ओके okay. ठीक है तो ज़रूरी है मैं सच बता रहा हूँ और खैर वो कम से कम पंद्रह दिन हमारे साथ रहा और तंग करता रहा और कहता था मुझे वो ला दो अपना कज़न ला दो वापस हमने कज़न को दूर कर दिया था उससे उसको वो थे असल में हमारे कज़न से मोहब्बत कहानी ये हुई थी ओह अब हम कह रहे हैं यार इसकी तो शादी होने वाली है उस तक कह रहा शादी भी नहीं होने दूंगा बोला शादी भी मेरे से करेगा ये कह पागल हो गया क्या अब घर वाले परेशान अब कज़न बोल रहा है अच्छा कज़न को तकलीफ भी देता था वो वो तो ट्रांसजेंडर को तो पता होता ना कि मर्द को कहाँ तकलीफ़ होती है वो तकलीफ भी वही देता था अब क्या करें यार घर वाले से भी दूर रखना पड़ रहा है और कोई इलाज भी नहीं और कहता था यार रात को के बस कपड़े पहन के नहीं सो कजन को अगरी सो मेरा कजन सो रहा है उसको चमाटे पड़ रहा है उठ कपड़े उतार बहुत ही अब क्या कर रहे है ना वो कह रहा यार कपड़े उतारो अब सोते में तुम्हें कोई बोले अजलान भाई उठो कपड़े उतारो दिख भी नहीं रहा वो तुम क्या करोगे क्या मैं क्या करूंगा मुझे क्या पता सोचो ना पारी <laughs> क्या करूंगा कितना बुरा लगता होगा मेरा कजन नंगा सोता होगा सोचो अकेला बेड पे लेटा हुआ नंगा जब तक उसको नंगा नहीं करते तो उसको आराम नहीं आता था अच्छा हाँ वैसे सोचने की बात है वाली के... बंदे को सिर्फ आराम में अच्छा वो बल्कि नहीं मैंने थोड़ा सा ओके नहीं वो इतनी तकलीफ नहीं देता क्या 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 ए, 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 क्या ये सच है कि जो सड़क पर जो पागल नंगे लोग घूम रहे होते हैं हाँ वो इसी चीज़ का शिकार हुए होते हैं वहाँ जानवर बहुत सारे आपने कभी देखा होगा कि रास्ते में खुला गधा घूम रहा है कभी उसको छेड़ना मत खुले गधे को हाँ जैसे होता है ना रोड पे गधा भाग रहा है कभी देखा होगा अकेला गधा भाग रहा है अकेला घूम रहा है गधा नहीं होता भाई याद रखना कभी उसको छेड़ना नहीं होना उसको कुछ कहना अच्छा हाँ मैं सच बता रहा हूँ अबे ऐसे मैं तीन चार गधे उठा के उठा चुका हूँ बता दूँ कभी भी नहीं करना आधी रात को जा रहे हो सड़क पे गधा है और तुम तो उसके पीछे गाड़ी में हॉर्न दे रहे हो उसको कुछ बोल दिया तुमने वो गधा नहीं होता भाई वो इनकी सूरत में ही आते हैं याद रखना है मैं तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें अंदर की बता के जा रहा हूँ अच्छा एक एक किस्सा मैं तेरे को बताता हूँ सीन क्या हुआ हमारे जो सज्जा क्या क्यों क्यों मुझे टेंशन दे रहे हो तुम लोग क्या हो क्यों क्यों बैठ

रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो अपलोड करी वो एक घर में गए हैं और उन्होंने आवाज लगाई है कि क्या तुम मुझे किसी भी सूरत में अपने आप को जाहिर कर सकते हो सही है शराबील भाई सामने हैं बड़ी सी तीन चार कैमरे लगे हुए एक कैमरे में थर्मल फुटेज आ रही है कोई हीट वेव या कुछ टाइप का वो कैप्चर कर ले एक उनके ओरिजिनल है उसमें एक लेपर्ड आया नजर लेपर्ड बड़ी बिल्ली अच्छा उसका साइज सर होगा स्टेबल जितना अच्छा शराबील भाई मैं जानवर का एक्सपर्ट हू हु। मैं पकड़ लेता हूं कि किसने चीटिंग की है किसने ड्रामा किया है किसने फेब्रिकेटेड किया सब पता चल जाता है यार अब ये तो सही है। बेवकूफ बना रहे लेपर्ड नजर आया और कंफर्म है। उसके बॉडी पॉस्टर से उसके पॉज से उसके टेल से पूरा लेपर्ड है सिंध की वो वीडियो है और यहाँ पे लेपर्ड होते ही नहीं है लेपर्ड होते हैं इस्लामाबाद की तरफ को पता होता है कि कौन सा एरिया है? हाँ कैसे जंगल में होते हैं यहाँ कभी होते ही नहीं यां जंगल यां, ही नहीं तो है यहाँ तो सवाना है ना जंगल थोड़ी यहाँ पे अच्छा ना, देख खुदी really? खुद ही चलो जब बिठाओ उसको बोलो चाय पी के नहीं नहीं, नहीं छोके, छोके, छोके। इदर, इदर, क्या हो चलो ये हमारे होता रहता है पॉडकास्ट में एनीवे तो जनाब होता ही है के वो लेपड वो आया है एक कट लगा है ये लोग चीखते हुए भागे और वो फिर कुत्ते में तब्दील हो गया यार मैंने वो वीडियो को अट्ठाईस तीस बार देखी होगी और मैं उसको डीकोड नहीं कर पाया अब मैं उस उस पर पहुंचा कि वाकई में वो जिन्नात था जो कि Uh, उस सूरत में था हुँ. तीन जानवरों का मुझे पता है जो जो है अपनी शक्ल तब्दील करते हुँ. हैं एक है बिल्ली हुँ. एक है कुत्ता और एक है सांप ठीक है बिल्ली जब हम सोचते हैं तो होता है कि जी बिल्ली है लेकिन बिल्ली बड़ी बिल्ली भी होती है बिग कैट्स कहते हैं तो इट वाज अ बिग कैट देन इट बिकम्स अ डॉग और फिर वो गायब हो गया तो सजाद साहब मेरे पॉडकास्ट में आने वाले हैं और उनसे ही मैं ये सवाल पूछूंगा क्या है क्या नहीं लेकिन मैं जितना जानवरों का एक्सपर्ट हूं ना मुझे पता है कि वो फेक नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर तू मेरे साथ कहीं चलता है एक जगह पे गोस्ट हंटिंग पे और तू वहां पे टाइगर देख लेता है कोई भी नॉर्मल आदमी होगा उसका पेशाब निकल जाएगा हाँ हाँ आप भागेंगे उनका जानवरों से कोई लेना देना ही नहीं है ब्रो वो वो खड़े में और सामने लिटरली एक एक चीज आई है और ये लोग भागे लेट्स अगर आपके सामने टाइगर या जैगवार या ब्लैक पैंथर या लेपर्ड कोई सामने आता है अगर आप भागते वो भी है ना जब आप भागेंगे ना अट्ठारह फीट की जम मार है लेपर्ड एंड विद इन थ्री सेकेंड वो आपकी गिच्ची पकड़ के तोड़ सकता है इनके साथ नहीं हुआ तो इट वॉज वेरी माइंड बॉगलिंग एंड वेरी सीरियस कभी जानवर की शक्ल में तुम्हारे सामने कुछ हुआ है ऐसा बता तो रहा हूँ जानवरों में ही होता है भाई ज्यादातर ये ये जो गधा चिल्लाता है क्यों बोलता है लाहौल पढ़ो हाँ, उसको शैतान नजर आ रहा होता है उसको कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही होती हैं लाहौल पढ़ना चाहिए जैसे खदे की आवाज सुनो लाहौल पढ़ो चुप हो जाएगा यह है उस्ताद तुमने बाकी तीन खदे पिन किए उनको कसम जब भी तुम्हारी शादी हो गई जल्दी आया न आगे आया ना आया ना चढ़ती जवानी में तुम्हारी शादी हो गई ना यही होता है अबे पिंडी में तो घर ले गया था कुछ को घे को तीन गदो को घर ले गया फिर मैंने उस्ताद पे तुम लड़के सही नहीं हो गए घर ले आ रहे हो तुम वो अब तो अब तुमने गड़बड़ लग रही है भाई घधे क्यों ले आ रहा घर भाई आई I मीन mean, यार वो बेसिकली वो क्या नीट पड़ गई घदोगी तुम्हें वो मतलब घदे ने से मासूम जानवर है ना यार तुम तो मासूम नहीं हो ना गधे को पता है तुम मासूम हो दो गधे मिले गो कौन सा गधा बचा तुम ही बचे तुम ही सामने बैठे हो वो तो बेचारा दम निकल गया होगा खैर मेरे दम नहीं निकला वो खैरियत से ठीक ठाक अब किया क्या उस गधे का ये तो बता दे भाई तू तो छादी में भी यूज किया अपने वो तुमने गधा नहीं बेसिकली वो गधा जो है मैंने वो ए सी ए फाउंडेशन को दे दिया था किस काम के लिए बस रखे हैं उसको पाले आप वाले किसी और में के आप पाले हाँ, मिल गया जख्मी के आप था जख्मी बेसिकली जब टांग में चोट लग जाती है ना तो वो मालिक के लिए बेकार होता है तो मुझे निकाल देते हैं अब मल्ला है। है। और भी हो सकता है तू ही लेके गया था तुझे पता रीजन भाई गधे गल ले रहे आ रहे अच्छा भाई छीन ये है शुरू कर रहा हूँ इन द बॉक्स क्या करूँ उसका बॉक्स फाड़ बॉक्स भी नहीं फाड़ू तुझे जानवरों से डर लगता है

अब कजन उठ रहा बोले कमर में दर्द हो रहा है जब सो क्यों उठा मान कहा उस्ताद सोया तो तू हमारे सामने सीधा था उठने के बाद तेरे कमर में दर्द क्यों हो रहा है अच्छा उसने एक शर्त रखी थी जाने की बारह लड़के करा दो मैं चले जाऊंगा <laughs> बारह लड़के मांगे उसने बारह लड़के अलग अलग दे दो क्या इस, करेगा लड़कों का इस बेड पे एक एक करके नंगा सुलाओ बारह बारह दिन में चले आऊंगा हर दिन एक लड़का दे दो लेकिन शर्त है सोएगा वो नंगा अब बारह लड़के अरेंज करना मुश्किल हो गए <laughs> आपके भाई और आपके भाई के कजन थे होशियार वो हिरोइन नहीं होते जो अगरबत्तियां बेच रहे होते पकड़ लिए बारह ट्रांसजेंडर को ऐसा ठंडा किया आपके भाई ने उसके बाद ट्रांसजेंडर अगरबत्तियां बेच रहा था शर्त देखो यार अच्छा होता है ये लड़कों का भी मसला है लड़कियों का भी मसला है ट्रांसजेंडर्स का भी मसला है गरम गरम कौन नहीं है ये बताओ जवानी किस पर नहीं आती ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं उसकी शर्त ये थी बारह लड़के दे दो हमने दे दिए हमने उन बारह लड़कों को भी नहीं बताया भाई क्या होने वाला है सोना है हमने हमने तो कहा मान गए थे वो आ, इतने आ, हाँ, 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 उनको बस नशा पूरा करना होता है यार हमने उनको पकड़ाए पैसे पर हीरोइनची पड़ा हजार रुपए का ट्रांसजेंडर को पड़ा टैक्स के साथ बारह सौ का खर्चा भी तो हुआ ना कमरे में यार सफाई वफाई कराई सफाई तो खैर वो चला गया था लेकिन फिर उसके बाद हमने वो दरक कटवा दिया अच्छा दरक भी हमने ऐसा कटवाया इजाजत लेनी पड़ती है आपको दरक से ठीक है उसके सामने खड़ो के आपको इजाजत लेनी होती है कि यार पूरा आयते पढ़नी होती है इतना तो मुझे नहीं पता लेकिन इजाजत देके दरक काटो अगर आपके घर में भी है, है ना तो आप इजाजत लो और वहां पर एक बकरा काटो उसके बाद दरक काटो ओके ठीक है इजाजत का तो मुझे पता है इजाजत लो लेकिन एक बकरा भी काट दो क्योंकि तो वो जगह खून मांगती है ठीक है तो हमने फिर वहां बकरा बकरा काटा दरक कटवाया वो गर्भ हमने छोड़ दिया अच्छा उस करके हिस्ट्री ये थी कि हमें फ्री में मिला हुआ था ओके okay. अच्छा फ्री के फ्री की चीज़ों में लांजे होते होते है हैं, हैं। जगह फ्री की थी बिजली वहाँ जाती नहीं थी पानी एनी टाइम था गैस हम सिलेंडर यूज़ करते थे वो घर उस घर से शादियाँ हुई हमारे कई नस्लों की ओके वो अभी का घर नहीं है वो बहुत पुराना था वो सदर में ही है बिल्कुल परफेक्ट जगह नहीं बताऊंगा नहीं तो मेरे पे बल्ली आ जाएगी है सदर में ही ओके मैं तो जब ऑफ स्क्रीन बताऊंगा जगह तो हमारे खानदान के आधे ज़्यादा शादियाँ वहीं हुई हैं बचपना गुजरा वहां पर सब चीजें फ्री मिली हुई थी तो फ्री में ये चीज भी मिल गई थी हमें के यार लेकिन मुझे यकीन तो तो भी नहीं आ रहा लेकिन इट्स इत, होता होगा एक फिल्म भी जो आई थी ना अक्षय कुमार की उसमें आई थिंक वो क्या एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की उसमें ट्रांसजेंडर होता है ये ये नहीं होता उसके अंदर रूह आ जाती है लेकिन वो नंगा थोड़ी करती है

आ, उसको शाहरुख खान नहीं पसंद उसको सलमान खान नहीं पसंद नहीं होगा उसको कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं पसंद उसको क्या पसंद है उसको प्रभास पसंद है अल्लू अर्जुन पसंद है भोजपुरी ना तेलुगु मतलब मसला ये है कि वो लोग कॉपी जो वांटेड है सलमान खान की अपना बहुत सारी फिल्म है सलमान खान की भी अक्षय कुमार की रॉडी राठौर वो पहले साउथ इंडियन फिल्म चल चुकी है कॉपी है ओए अच्छा विलन सेम लेते हैं ये लोग हीरो चेंज कर देते हैं बॉलीवुड में कबीर सिंह कबीर सिंह भी कॉपी है hmm. वहाँ पर पूजा करते हैं रजनीकांत की और यहाँ पे यहाँ दूजा कर लेते हैं सस्ते में जो सीनियर है उसको मार देते हैं इंडिया सीनियर्स को बनाता है सीनियर्स से काम लेता है अमिताभ अभी तक अपनी खा रहा है ना भाई कितना एजिट है बैठने नहीं देते बैठेगा तो मर जाएगा hmm. हमारे वाले कहते हैं बस उस्ताद ये हिट हो गया इसको घर बिठाओ जब मर जाता है तब तो उसको जो है फिर वे, वेट करते हैं कि हमें हेडलाइन बनानी अपने चैनल की कि मर गया है पहले हमें व्यूज चाहिए फिर उसके ताज़े प्रोग्राम रखते हैं चार दिन के व्यूज लेने के लिए अब वो चला गया जब ले रोज उससे पहले बुला लेते पहले बुला लेते इज़्ज़त दे देते यही मसला हमारे वहाँ अबा भी यही कहते हैं यार यहाँ पर ना फनकारों की इतनी इज्जत नहीं है वेट करते हैं मरने का मरे तो यार फिर हम कुछ बातें करें रियलिटी है

रोए समझ जाओ उसको कुछ ना लाहौल पढ़ो फोरक लड़कियों औरतों के लिए बहनों के लिए मशवरा है जब भी वॉशरूम जाओ खासतौर तो पर मगरब के वक्त तो ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है और रात बारह के बाद फिक्स बारह बजे जो होते हैं ना ना जाओ इस टाइम पर सारे असरा वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं मगरब के वक्त तो कहते हैं ना कि आप समंदर भी रुक जाता है दरक के पास ना बैठो रास्ते में ना बैठो झाड़ू ना निकालो झाड़ू ना निकालो यही चीज़ें होती हैं वो घूम रहे होते हैं वो जगह ढूंढ रहे होते हैं छुपने की वो वॉशरूम में जाकर छुपते हैं और कोशिश करो कि जब वॉशरूम जाओ तो बाल नजर न आया औरतें खास तौर पर लपेट लो कपड़ा लपेट लो फिर जाओ फिर वापस आओ बस ये वाली बात है सलान भाई हम तो इतने भूतों से मिले नहीं है जितने लोग आपके पास आए हमारा भूत भी अनोखा है बहुत ज़्यादा अनोखा है आपका भूत बहुत नंगा भूत नंगा भूत अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे आजमाइश में ना डाले मेरे कज़न को इतनी तकलीफ होती थी ना अब कजन तुम्हारा ठीक है कमर में दर्द तो नहीं हो यार शुक्र है दो बच्चे हैं और उसकी बैग हमको भी चीज़ नहीं पता इसलिए तो तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा कि हमारा कौन सा कज़न है वो उन्होंने वो बोली कि तुम इससे पहले भी नंगे सो चुके हो समझो तो बात को बड़े आते हैं मियाँ बीवी में झगड़े हो जाएंगे तो अल्लाह अब तो हुआ है तो मैं बत... आगा आगा खुद पूछा तूने मैंने बता दिया भाई मैंने पूछा तो तोने बता दिया बात तो सही है तेरी क्यों पूछा ये मेरी गलती है ना मैंने पूछ लिया दर्जनों के हिसाब से वो हमसे लड़के मांग रहा था हमने दे दिए

बसम से अब तैयार खुश आपको बताऊं इनका गढ़ कौन सा है तेरा डी जौहर कभी गया है एक्सपो के सामने वाला रोड देखा है हाँ। अबे ऐसे ऐसे खुश यार ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर तीन, तीन तलवार पर भी मेरे ख्याल है काफी लेकिन वहाँ ज्यादा है उधर ज्यादा ब्रिज के पहले मैं दूर से देखा ना मैंने कहा उस्ताद ये कौन है तैयार माल अब करीब गया हूँ बोल रहे ऊपर हमारा फ्लैट है और समझ गया <laughs> मैंने कहा फिर यूनिवर्सिटी अल मुस्तफा हॉस्पिटल मैंने कहा तो आप मुझे क्यों बता रहे हो आपका फ्लैट है बोले ना आओ मालिश अच्छी करते हम मैंने कहा रहने दे भाई तू एक ही हड्डी सीधी अच्छा, करेगा बाकी सारी अच्छा बोले क्या हाँ आप भाई बेसिकली मेरी रिहायश थी गुलशन इकबाल ब्लॉक वन की ठीक हाँ। है, है और मेरे दोस्तों की बैठक थी ये अलमुस्तफ़ा वाला हॉस्पिटल हाँ। नहीं है यहाँ पे एक कपिन सौसर के नाम से हम लोग का एक कैफे था वहाँ हम लोग बैठक हाँ। लगाते थे, थे तो अलमुस्तफ़ा वाली जो पट्टी जो सर्विस रोड जो चल हाँ। रहा है ना वो वो वाला हाँ हाँ जो उल्टे हाथ पे जो होटल हाँ। बना हुआ है सारे तो अब लाइन से खड़े होते हैं कसम से यकीन कर है मतलब आपको अगर वो बात नहीं करे तो बोला लड़की है

ऐसा ऐसा जॉम्बी पॉकलिप्स हो गए ना यूं करके आते हैं एक फ़ौरन से आके वो वाइपर मारेगी एक आके जो वो खटका करेगा कि भाई लाभ पैसे दो एक वाकई आ गया मुझे अपना बता 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 हम सिग्नल पे आ रहे गाड़ी में हाँ अब चल रही गाड़ी यार सिग्नल पर रुक गई तुझे पता सिग्नल पर रुके तो फ़ौरन आते हैं ये एक आ गया अब मैं उसको बोल लूँ नहीं है खुले बात को समझ ए तक दिखा दिया ये इससे कैसे निकालेगा चाहिए चाहिए लटक गया आता गाड़ी में ना ऐसा आ गया मैंने देखा उसका चार सेकंड रह गए मैं वेट कर रहा हूँ मैंने उसको बातों में लगा ली मैं इसको मैं बताता हूँ इतना अंदर था इतना अंदर आया इतना अंदर आ गया और चिकने विकने नहीं करते चिकना निकालता हूँ चार तीन दो एक तेरे मैंने शीशा चढ़ा दिया इतना अंदर फंस गया मैंने कहा मुझसे बातें करता रहे ऑन दे रही है तो गाड़ी में कहा तू मुझसे बातें कर कितने चाहिए बोले शीशा खोल गंदी गंदी गालियाँ दे रहा ना मैं कहा देता रहे मैं खोलूंगा नहीं <laughs> तुझे जब ए भी दिखा दिया तू क्यों पिन कर रहा है अंदर कैसे यूं ऐसा अंदर क्यों आया बोला छोड़ देना यार छोड़ दे मैंने कहा नहीं बोला अच्छा पप्पी ले ले मेरी मैंने कहा भाई <laughs> जा <laughs> तू जा मैंने कहा तेरी पप्पी लूँ oh, चला जा भाई इतने पक्के हो गए ये लोग इनको पता है पैसा कैसे निकलवाने हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भूत होते हैं असरात भी होते हैं देखो क्या है लोग बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी करते हैं कि यार ये फेक है फला ढिमकाना इनके साथ भी हुआ होगा लेकिन बताते नहीं हैं तू तो हमसे पूछता है तो हम बता देते हैं भाई और तेरा कंटेंट ये नहीं है पहले बता दूँ कौन सा लोग, लोग समझते हैं भूतों को कंटेंट लाता है ठीक है बहुत लोग कर रहे हैं वो कॉन्टेंट कर रहे हैं ये बता दूँ बना के कर रहे हैं जो कॉपी कर रहे हैं तुझे बहुत सारे शुरू हो गए अब तो अब तो बहुत तुमने सबको दिखा दी दुकान <laughs> ये भी बिकता है <laughs> ये ये भी बिक रहा है लेकिन बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आए और सबने सच बोला और मुझसे भी तुमने पूछा तो मैंने कोई घूमी फिरी बात नहीं बताई मेरे घर वालों को पता है बात ट्रांसजेंडर वाली लेकिन उसकी बेगम को नहीं पता नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे उनको ठीक है अच्छा नहीं लगता ना ऑफ कैमरा मुझे बता दियो कौन कर तो पहुंच जाएंगे पहुंचे वाले नहीं सारे मारा है बोड़ी बोड़ी बहुत तो सारे अपस... तो है? है? तो बॉडी मैंने खत्म कर फिलॉसफी कौमे... लेकर पेट <laughs> <laughs> तो जितना जितना फनी वो खुद दिखने में होगा ना उतने लाफ्टर क्रिएट कर सकता है वो कभी देखा है कोई फिट कॉमेडियन ताबिश भाई थोड़ी मेहनत कर ले तो फिट हो जाएंगे

पता है तो नजर भी आ रहा है चल भाई थैंक यू सो मच ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ख्याल रखना अपना भी और घर वालों का भी, भी अब्बा का भी एंड मेरी ख्वाहिश थी कि यार के अंकल के साथ मैं स्क्रीन शेयर करूँ आया आया आए रह गई तू क्यों नहीं आया अपने अब्बा के साथ में मैं आया था और मैंने बहुत अच्छे टाइम पे एग्जिट ले लिया था उसकी वजह ये एग्जैक्टली क्योंकि ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री थी और यार यो बढ़ती भी है और यही उभरेगी उभरेगी क्योंकि वजह ये है कि जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं सब डिजिटल सबके यूट्यूब चैनल है सब ने फेसबुक अपना मॉडर्नाइज हाँ। करा लेकिन है। तुम व्लॉगिंग नहीं कर रहे यार यार कर लेंगे वो भी क्या वजह वजह नहीं है मतलब बेसिकली

मैं यार कैसा हाथ भी है। ओके यार अल्लाह इसी तरह खुद रख रखा हुआ है। जाइए जाइए लाभ इस बारे में